माहौल है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो है बिल्कुल फ्लॉप हुई है सब जगह, वो भी एक संदेश है प्रदेशवासियों का। और कितने जोर लगा लें इस बार ये लोग, क्योंकि इनके चार पांच तो मुख्यमंत्री आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आज सातवीं बार आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों का तो यहाँ रोज मेला लगा हुआ रहता है। तो इनके खुद की मीटिंग जो फेल हो रही है तो ये बुखलाए हैं, घबराए हुए लोग हैं, और साधन आपके इनके पास कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार इन साधन इकट्ठे किए हैं डरा के धमका करके, विपक्ष को कोई सहयोग नहीं करे, उद्योगपति भी, ये जो इनकी अप्रोच है इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए हैं तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, पर है उनका मुकाबला हमें करना है। ये कितनी कोशिश करे ताम झाम के साथ में उतरेंगे मैदान के अंदर, बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे, बड़े बड़े आप देख रहे हो कि जो प्रचार हो रहा है इनका, प्रचार 9 साल में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रचार किया गया मीडिया में, विज्ञापनों के माध्यम से भी भरे पड़े रहते हैं, राज्य सरकारों को भी मजबूर होकर आगे आना पड़ा। जिस प्रकार प्रचार कर रहे हैं हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अब जो ये जो करना था वो कर लिया। अब मुझे लगता है इस बार जनता मन के अंदर से समझती है हमारी सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है। पहली बार आज़ादी के बाद में इस रूप में हर हमारा फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक कल्याण के इंटरेस्ट में है, चाहे वो अनुपति योजना क्यों नहीं हो छात्रों के लिए। आज महंगाई का ज़माना है, लोग फीस नहीं भर सकते कोचिंग के अंदर, उनको कम्पीट करना पड़ता है पैसे वालों के साथ में, उनके लिए मैं 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हर फैसला हमारा लोक कल्याण के आधार पर है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, चाहे महंगाई राहत शिविर हो, चाहे छात्रों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, बुजुर्ग हो, विधवाएं हो, निसज्जन हो, ये तमाम फैसले जो है ये वेलफेयर स्टेट के रूप में है। और ये पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में भी और राज्यों में भी चर्चा में आ गया है। इवन OPS जो है उसमें भी राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। हमारी हर योजनाओं का चर्चा आज राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर हर राज्य में होती है, वहाँ की सरकारें मैनिफेस्टो में लिख रही है, अपने वादे कर रही है, वहाँ की पब्लिक से ये स्थिति बन गई, तो राजस्थान मॉडल बन गया।